हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल माय चैनल लर्न फिजिक्स बाय लक्ष्मी भारद्वाज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द एनर्जी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टुडे वी विल डिस्कस इट्स रिमेनिंग टू केसेस सो लेट स्टार्ट वी टेक ए रिविजन ऑफ फर्स्ट केस जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो हम वर्क करते हैं बाय अप्लाइंग डीफॉर्मिंग फोर्स ऑन एनी बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम इसका एक रिविजन ले, ले लेते हैं लॉन्गीटूडल स्ट्रेन क्या होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर उसकी लेंथ में जो चेंजेस आते हैं ठीक है तो लॉन्गी स्ट्रेन क्या हुआ जो उसकी लेंथ में चेंजमेंट हुआ वो अपॉन में क्या जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो ठीक है तो हमने एक वायर लिया था जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी हमने मानी थी कैपिटल एल और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो हमने कैपिटल ए मानना था ठीक है तो अब वायर की हम लेंथ में चेंज ले रहे हैं तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस एक्ट करेगा ठीक है जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है उसके द्वारा ठीक है तो जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया है तो क्या होगा जो वायर है उसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा ठीक है मान लो हमने जो फोर्स है वो वायर को एक जगह हैंग करके और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा वो जो स्मॉल इंक्रीज हुआ लेंथ में वो हमने मान लिया dl क्लियर है तो वर्क डन कितना हुआ जो हमने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया है उसके द्वारा तो वो हुआ जो स्मॉल वर्क डन है वो dw इज इक्वल टू अब वर्क डन क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो अपनी जगह से कुछ डिस्प्लेस हो या उसका जो साइज शेप है उसमें चेंजमेंट आए ठीक है तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू है वहाँ पे डी क्या दिखा रहा है चेंज ठीक है या स्मॉल कह सकते हैं स्मॉल वर्क डन तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमें हमने अप्लाई किया है वो और इन टू में जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है यानी डी एल ठीक है स्मॉल चेंज या स्मॉल इंक्रीज दैट इज डी एल डी तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी एल क्लियर है अब ये तो स्मॉल वर्क डन है अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करेंगे दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन किया था तो जो डी डब्ल्यू है उसका जो डी है वो तो इंटीग्रेशन के साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्कस किया था जो इंटीग्रेशन है और जो डिफ्रेंशिएशन वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह जाएगा ओनली डब्ल्यू ठीक है और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा अब देखो ये जो लिमिट ले रखी है इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर वो कैसे लेंगे शुरू में जो वायर की लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट कुछ नहीं था ठीक है उसकी लेंथ थी वो ओरिजिनल थी दैट इज़ ज़ीरो थी लेकिन फिर उसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ क्या कितना हुआ स्मॉल एल तो यहाँ पे हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे ज़ीरो से स्मॉल एल ठीक है और एफ इंटू डी एल हो जाएगा अब हमने हमें पता है जो यंग्स मॉडुलस है उसका फॉर्मूला हमने निकाला था वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी बी एस सी सेकेंड सेम फर्स्ट ईयर के नाम से उसमें मैंने ये वीडियो बना रखी है टाइप्स ऑफ ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी उसी में फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला था क्या y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए अब यहाँ से हम f की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी कैपिटल वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपन कैपिटल एल ठीक है यहाँ पे वाई है यंग्स मॉडुलस ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर स्मॉल एल क्या है जो चेंजमेंट आई है लेंथ में और जो कैपिटल एल है अपॉन में वो है जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की क्लियर है अब जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वर्क डन का W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल और इंटीग्रेशन का साइन था ठीक है तो वहाँ पे F की जगह हमने क्या पुट कर दिया जो यहाँ से हमें F की वैल्यू मिली है वो तो क्या मिली है y इंटू ए इंटू एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डी एल ठीक है अब y इंटू ए अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ है वायर की यानी कैपिटल L वो एक तरह से कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं तो इसलिए हम उनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रख देंगे ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या मिला अंदर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर स्मॉल एल इंटू डी एल अब हमें पता है जो क्वांटिटी हो वो और उसी का डिफ्रेंशिएशन हो साथ में और इंटीग्रेशन का साइन हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है जो क्वांटिटी है ना उसकी पावर जो भी उसमें वन ऐड हो जाता है और अपॉन में उस पावर में ओनली पावर में वही वन ऐड हो नीचे होता है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल की पावर वन है ना स्मॉल एल की पावर तो यहाँ पे जो वन है उसमें एक ऐड हो जाएगा पावर में तो एल स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ही नीचे जो वन प्लस वन हुआ था वो यानी टू हो गया था वो नीचे आ गया तो हमें क्या मिल गया राइट हैंड साइड में वाई इंटू ए अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल स्क्वायर बाई टू क्लियर है अब ये जो एल स्क्वायर है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक स्मॉल एल तो हम वाई ए अपॉन एल के साथ ले लेंगे और एक एल को अकेला रखेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल ठीक है अब देखो ये जो वाई इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल है ये क्या है जो स्ट्रेचिंग फोर्स है जो हमने यंग्स मॉडुलर से निकाला था वो हो गया और ये जो स्मॉल एल है आइसोलेशन में वो क्या है जो चेंज हुआ है लेंथ में वायर की लेंथ में दैट इज इंक्रीज इन लेंथ क्लियर है अब देखो स्ट्रेचिंग फोर्स जो लिखा है इसको अगर हम कैपिटल एफ मान ले क्योंकि है तो फोर्स ही तो किसी से भी डिनोट कर सकते हैं तो हमने एफ से डिनोट कर दिया तो एफ बाई टू है ना और हमें पता है जब किसी चीज के अपोन में टू हो तो वो एवरेज होता है तो इसलिए हमने इसको कैसे लिख दिया जीरो प्लस एफ बाई टू यानी टू क्वांटिटीज का एडिशन अपोन में टू वो क्या होता है एवरेज होता है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया एवरेज स्ट्रेचिंग फोर्स और इन टू में जो इंक्रीज इन लेंथ है उसको हम एक्सटेंशन बोल सकते हैं क्योंकि बॉडी है वो जो वायर है वो एक्सटेंड हुई है क्लियर है तो ये क्या आ गया हमारे पास वर्क डन हाफ़ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल क्लियर है तो ये हमें क्या मिल गया वर्क डन और जो वर्क डन किया था हमने बाय अप्लाइंग डीफॉर्मिंग फोर्स वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया ठीक है अब अगर हमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो पर यूनिट ठीक है वॉल्यूम यानी पर है तो क्या करेंगे हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है लेंथ इन टू ब्रैड इन टू हाइट और लेंथ इन टू ब्रेड क्या होता है किसका फॉर्मूला होता है एरिया का ना तो इसलिए हमने लेंथ इन टू ब्रेड को तो क्या लिख लिया ए कैपिटल ए और इन टू में जो हाइट है वो एक तरह से है तो लेंथ ही डिस्टेंस ही इसलिए इसको कैपिटल एल से डिनोट कर दिया क्लियर है तो ये क्या हो गया इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया वर्क अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू ये एफ इंटू एल था ऊपर नीचे हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया है ना तो एरिया इंटू कैपिटल एल ठीक है अब इसको सेपरेट करके लिख दिया तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू एफ बाई ए इंटू स्मॉल एल बाय कैपिटल एल क्लियर है और F by A ये क्या होता है स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्मॉल L अपॉन कैपिटल L ये क्या होता है स्ट्रेन होता है यानी चेंज इन लेंथ लेंथ अपॉन ओरिजिनल तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर क्या मिल गया हमें हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्लियर है अब इसका हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूमिट्रिक स्ट्रेन अब यहाँ पे क्या लिया हमने एक स्पेरिकल बॉडी ली है ठीक है जिसकी वॉल्यूम है कैपिटल वी सरफेस एरिया है कैपिटल ए और जो बल्क मॉडुलस है उसको हमने मान लिया कैपिटल के ठीक है स्फेरिकल बॉडी हम कोई भी बॉल वगैरह सपोज कर सकते हैं जो हमने पानी के अंदर छोड़ रखी है और जो पानी है उसका जो प्रेशर वो बहुत हाई है ठीक है तो जो पानी है उस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर नॉर्मल प्रेशर कितना अप्लाई कर रहा है हर डायरेक्शन से कैपिटल पी ठीक है तो इसके कारण जो उसकी रेडियस है ना स्फीयर की या बॉल की वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी क्लियर है वो इंक्रीमेंट कितना मान लिया हमने डेल एक्स डेल क्या चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन तो हमें पता है फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है ना क्योंकि वो जो स्फेरिकल बॉडी है उसके ऊपर पानी की वजह से प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर का फॉर्मूला तो हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया ठीक है तो फोर्स की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू में डिस्टेंस कवर डिस्टेंस कितनी कवर की है डेल एक्स ना ठीक है यानी जो इंक्रीमेंट हुआ है रेडियस के अंदर स्फीयर के में। तो ये क्या हो जाएगा पी ए इंटू डेल एक्स और अब हमें पता है एरिया इंटू एनी डिस्टेंस वो क्या होता है वॉल्यूम होता है यहाँ पे डिस्टेंस क्या है स्मॉल है ना स्मॉल चेंज है डिस्टेंस के अंदर तो यहाँ पे पी डी वी हो जाएगा यानी जो डी वी है यानी चेंज इन वॉल्यूम ठीक है यानी वॉल्यूम में कुछ इंक्रीमेंट होगा अब टोटल वर्क डल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें डब्ल्यू मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे शुरू में जो वॉल्यूम थी उसमें इंक्रीमेंट कुछ नहीं था तो ज़ीरो और फाइनली क्या हो गया था जो इंक्रीमेंट हुआ था वॉल्यूम में वो स्मॉल वी ठीक है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट वेरिंग फ्रॉम ज़ीरो टू वी पी डी वी ठीक है अब पी यानी प्रेशर की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे तो हमने जो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की थी उसमें हमने बल्क मॉडुलस निकाला था ठीक है यानी जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका हमने फॉर्मूला निकाला था प्रेशर इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम ठीक है तो यहाँ से अगर हम प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी ठीक है तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे पी की जगह तो हमें क्या मिल गया k इंटू स्मोल v अपॉन कैपिटल v डी वी ठीक है अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया ये जो कैपिटल के अपॉन कैपिटल वी है ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा वी इंटू डी वी तो वी इंटू डी वी यानी वो टर्म और उसका साथ में इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू यानी जो पावर है उसमें वन ऐड हो जाएगा और नीचे वही टर्म

इंटू कैपिटल के अपॉन कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी स्क्वायर ठीक है अब ये जो वी स्क्वायर है इसको सेपरेट करके लिख लिया तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू कैपिटल के इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इंटू एक वी को हमने सेपरेटली लिख लिया अब ये जो के इंटू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी है ये क्या है प्रेशर है ये जो हमारे पास फॉर्मूला था ठीक है तो यहाँ पे पी पुट कर देंगे और इंटू में क्या रहेगा स्मॉल वी अब प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ना और जो स्ट्रेस होता है वो भी क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया क्लियर है तो क्या हो गया यहाँ पे हाफ इंटू प्रेशर या स्ट्रेस ठीक है इन और स्मॉल वी क्या है ये चेंज इन वॉल्यूम क्लियर है तो ये वर्क डन आ गया जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है अब अगर वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करेंगे हम वॉल्यूम से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा वर्क पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ हाफ स्ट्रेस क्या था मतलब प्रेशर कैपिटल वी इंटू स्मॉल था उसको कैपिटल यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये स्ट्रेन बन गया ये, ये quantity, है? तो हमें क्या मिल गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन स्फेरिकल बॉडी क्या मिल गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यही हमें लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन के, के केस में मिला था और यही इस केस में मिल गया ठीक है। Now we its third case. अब इसमें क्या है एनर्जी क्या होगा इसमें जो body है ना, उसका size, size या कह सकते हैं, उस उसमें होगी, विदाउट एनी चेंजिंग इट्स वॉल्यूम ठीक है तो इसके लिए हमने एक क्यूब सपोज कर लिया ठीक है उसकी जो हर एक साइड है उसको कैपिटल एल मान लिया और जो उसका हर एक फेस का एरिया उसको कैपिटल ए मान लिया और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ठीक है उसको हमने ईटा यानी ये जो एन टाइप सिंबल है उससे डिनोट कर लिया ठीक है अब क्या किया हमने वो जो क्यूब है उसके ऊपर हमने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है वो फोर्स जो उस सरफेस को किसी एक पॉइंट पे टच करके उससे मतलब पास हो क्लियर है तो जो शेयर स्ट्रेन है प्रोड्यूस होगी क्यूब के अंदर वो कितनी होगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं एक रूम है उसके एक दीवार को हमने डिस्प्लेस किया यानी पुश किया तो क्या होगा उसका वो जो अपने बेस है ना उससे तो वैसे ही अटैच रहेगी लेकिन जो उसका अपर पार्ट है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगा यानी वो तिरछी हो जाएगी ऐसे ही उस दीवार के सामने जिसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है वो वाली भी वैसे ही डिस्प्लेस हो जाएगी तो क्या हुआ शेप तो चेंज हो गई ना वॉल्यूम उतनी की उतनी है तो स्मॉल एल क्या है वो लेंथ है ये जो डिस्प्लेस हुई है दीवार ऊपर से ठीक है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और अपॉन में ये जो कैपिटल एल है ना ये क्या है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फर्श से लेके छत तक ठीक है अगर हम कोई रूम सपोज करते हैं तो अब हम वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्टेंस ठीक है तो यहां से जो फाई यानी जो शेयर स्ट्रेन वो कितना है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल तो यहाँ से हम स्मॉल एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कैपिटल एल इंटू फाइव ठीक है और अगर हमें तो डी एल की वैल्यू चाहिए ना डी डब्ल्यू वाले फॉर्मूले में यानी वर्क डन वाले फॉर्मूले में पुट करने के लिए तो अगर हम इंटीग्रेशन कर दें इसका स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इंटू फाइव का तो क्या हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू डी क्या है डिफ्रेंशिएशन कैपिटल एल ठीक है और फाइव का क्या हो जाएगा डी फाइव ठीक है क्योंकि एल तो ओरिजिनल लेंथ है ना इसलिए अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन वन पॉइंट वन सिक्स में यानी डी डब्ल्यू क्या मिल जाएगा अब एफ एज इज और जो डी एल है वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल एल इंटू डी फाइव ठीक है अब हमें मोडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला पता है क्या एफ अपॉन कैपिटल ए इंटू फाइव ठीक है अब एरिया क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेड थी नी है तो दोनों लेंथ तो क्या हो जाएगा ए की जगह हम एल स्क्वायर पुट कर देंगे ठीक है तो यहां से हमें ईटा सॉरी एफ की क्या वैल्यू मिल जाएगी ईटा इंटू एल स्क्वायर इंटू फाइव ठीक है तो ये जो एफ की वैल्यू निकली है इसको हम डी डब्लू इज इक्वल टू एफ इंटू एल डी फाइव वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा स्मॉल वर्क डन एन सॉरी ईटा एल क्यूब फाइव इंटू डी फाइव अब हमने इंटीग्रेशन कर दिया टोटल वर्क डन निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा ये जो ईटा एल क्यूब है ये तो कॉन्स्टेंट है इसलिए हम इन, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या रह गया फाइव डी फाइव और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी जीरो से फाइव ठीक है अब ये जो ईटा एल क्यूब है ये तो बाहर है कॉन्स्टेंट है तो फाइव का क्या हो जाएगा फाइव स्क्वायर और अपॉन में टू क्योंकि पावर वन है वन ऐड हो जाएगा इसमें ठीक है तो फाइव स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास अंदर क्लियर अब ये जो एल क्यूब है इसको सेपरेट करके लिखेंगे और ऐसे ही फाइव स्क्वायर को भी तो हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसको हाफ इंटू ईटा इंटू एल क्यूब का एल स्क्वायर और फाइव स्क्वायर का एक फाइव तो हमने इकट्ठा रख लिया और एक एल और एक फाइव बचा उसको अलग लिख लिया ठीक है अब ये जो ईटा स्क्वायर फाइव है ये किसका फॉर्मूला है फोर्स का ठीक है इस इससे ये जो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एल स्क्वायर फाइव है यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यही तो आएगी ठीक है तो यहाँ पे एफ पुट कर सकते हैं ईटा एल स्क्वायर फाइव की जगह और इन टू ये जो एल फाइ है ये कैपिटल एल फाइव किस की वैल्यू थी स्मॉल एल की ना तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे स्मॉल एल ठीक है तो ये क्या आ गया हाफ इन टू टेंशियल फोर्स इन टू क्या है जितना डिस्प्लेस हुआ है वो क्यूब ठीक है या वो दीवार कह सकते हैं तो ये डिसमेंट कहलाएगी क्लियर तो ये क्या हो गया हमारे पास डब्लू इज इक्वल टू हाफ ईटाइ ठीक है तो n तो सॉरी तो क्या है एक फोर्स है और फोर्स और कैपिटल L क्या है एक डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है मोमेंट होता है ठीक है मोमेंट ऑफ कपल इसलिए हम इसको कपल नाम देंगे और ये जो फाई है ये क्या है शेयर स्ट्रेन है तो ये क्या हो गया हमारे पास हाफ इंटू कपल इंटू शेयर स्ट्रेन ठीक है अब क्या करेंगे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू एफ इंटू स्मॉल एल एफ क्या था कपल यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शेयर स्टेन को किससे डिनोट किया था हमने एल ठीक है तो वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा अपॉन में एल क्यूब अब इसको एल क्यूब को हमने सेपरेटली लिख दिया कैसे हाफ अपॉन एफ बाय एल स्क्वायर और एक जो एल रह गया नीचे उसको स्मॉल एल बाय कैपिटल एल करके लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू एफ बाई एल क्या है एरिया का ही तो है क्योंकि एरिया हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है क्या होता है लेंथ लेंथ अब breadth भी तो एक तरह से ही है ना तो इसको हम डायमेंशनली ऐसे लिख सकते हैं एल इंटू एल तो एल स्क् हो गया तो एफ बाई एल स्ट्रेस और स्मॉल एल यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये क्या है स्ट्रेन तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन क्लियर है तो ये हमें क्या मिल गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ठीक है तो हर केस में हमने क्या देखा तीनों केसेस में सेम आ रही है क्या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ठीक है तो ये हमारी वीडियो थी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो थैंक यू